हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में। कब्ज एक ऐसी समस्या है जिसके कारण मरीज का पेट सही से साफ नहीं हो पाता और शौच के दौरान काफी दिक्कतें आती हैं। इस कारण रोगी को कई बार शौच के लिए जाना पड़ता है। पेट साफ न होने के कारण पूरे दिन आलस्य बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। कब्ज की परेशानी के कारण मल त्यागने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और घंटों वॉशरूम में बैठे रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को बहुत सोच समझकर खाना पीना पड़ता है। लंबे समय तक कब्ज की समस्या रहने से कई और बीमारियां होने का खतरा रहता है, इसलिए कब्ज के लक्षणों को नजरअंदाज न करें बल्कि इसका इलाज कराएं। कब्ज की गंभीरता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होती है। बहुत से लोग केवल थोड़े समय के लिए कब्ज का अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कब्ज एक लॉन्ग टर्म स्थिति हो सकती है जो काफी दर्द और परेशानी का कारण बनती है और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। चलिए जानते हैं कब्ज का कारण क्या है। कब्ज के सटीक कारण की पहचान करना अक्सर मुश्किल होता है। हालांकि ऐसी कई चीजें हैं जो इस स्थिति में योगदान करती हैं, जिसमें यह सभी शामिल है। पर्याप्त फाइबर न खाना, जैसे फल, सब्जियां और अनाज, मैदे से बने और तले हुए मिर्च मसाले भोजन का सेवन करना, पानी कम पीना या तरल पदार्थों का सेवन कम करना, समय पर भोजन न करना, रात में देर से भोजन करना, देर रात तक जागने की आदत, शौच जाने की जरूरत को अनदेखा करना, अधिक मात्रा में चाय, कॉफी, तंबाकू या सिगरेट आदि का सेवन करना, भोजन पचे बिना ही दोबारा भोजन करना, चिंता या तनाव युक्त जीवन जीना, हार्मोन्स का असंतुलन या थायराइड की परेशानी होना। अब मैं आपको बताती हूँ कब्ज के लक्षण क्या हो सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को शरीर से मल निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कब्ज के संकेत और लक्षण यह है: मिचली आना और पेट फूलना महसूस होना, पेट में दर्द एवं भारीपन रहना, पेट में गैस बनना, मल का सख्त एवं सूखा होना, सिर में दर्द रहना, बदहजमी, मुंह से दुर्गंध आना। कब्ज के कारण मुंह में छाले होना भी एक आम समस्या है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, जो है कब्ज का इलाज क्या है। आप अपने आहार और जीवन शैली में साधारण परिवर्तन करके खुद ही कब्ज का इलाज कर सकते हैं। यदि ये परिवर्तन आपकी मदद नहीं करते हैं और समस्या जारी रहती है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आमतौर पर कब्ज के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में आहार और जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी जाती है। इसमें फाइबर को अपने दैनिक सेवन में धीरे धीरे बढ़ाना शामिल है। सुनिश्चित करें कि आप बहुत सारे तरल पदार्थ ले रहे हों और अधिक व्यायाम करने की कोशिश करें। यदि ये प्रभावी नहीं होते तो आपका डॉक्टर एक ओरल लैक्सेटिव दवा लिख सकता है, जो आपकी आंतों को खाली करने में आपकी मदद कर सकती है। हे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, तो हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।